आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट प्रिविलेजेस टू द भारत रत्न गेट, यानी कि कौन से ऐसे विशेष अधिकार हैं जो भारत रत्न अवार्डीज को मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मैंने एक भारत रत्न पे भी वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो अभी आपको पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो जो भारत रत्न अवार्ड होता है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया में, और ठीक है, तो जो बहुत ही उत्कृष्ट काम करते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, या आप बोल सकते हो कि ह्यूमन एफर्ट जिस जो पॉजिटिव चेंज लाए सोसाइटी में, ठीक है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड 1954 में स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद ने ये अवार्ड दिए थे, और तीन लोगों को मिले थे ये सबसे पहले ये अवार्ड। सी वी रमन को मिला था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिला था, ओके, एक लोग और थे, आई कैनॉट रिकॉल इट। तो तीन लोगों को स्टार्टिंग में दिया गया था, शायद श्री राजगोपालचारी या श्री राजगोपालचारी को भी मिला था ये अवार्ड, राइट। तो ये तीन लोग थे जिनको भारत रत्न दिया गया था 1954 में। और इसमें एक पीपल शेप्ड जो मेडल होता है, वो पीपल की पत्ती की तरह होता है, जिसमें आगे सूर्य बना रहता है और उसके नीचे भारत रत्न लिखा रहता है, और रिवर्स साइड में अशोक स्तंभ होता है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है, जो कि भारत का नेशनल एम्बलम है, राइट। तो और अब इससे रिलेटेड, भारत रत्न से रिलेटेड हम कुछ प्रिविलेजेस जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके बाद इसके नीचे जो अवार्ड होते हैं वो पद्म अवार्ड होते हैं, मतलब सबसे पहले आता है पद्मश्री अवार्ड, उसके बाद पद्म भूषण अवार्ड, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, फिर भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा होता है। तो जो रेसिपियंट होते हैं उनकी जो एक तरह से जो इंडिया की जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल लिस्ट होती है, ठीक है, उसमें उसके हिसाब से जो रेसिपियंट होते हैं उनकी रैंक इसमें सेवन्थ होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये सेम स्टेटस शेयर करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की तरह, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि इनकी जो प्रेसिडेंट होता है, इनका जो ओहदा होता है, वो किसके बराबर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की तरह। नेक्स्ट, तो अब इनको एक तरह से स्टेट गेस्ट भी ट्रीट किया जाता है। जब भी ये विद इन इंडिया कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो इनको एक तरह से स्टेट गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, ओके। अगर ये किसी भी स्टेट में जाएंगे तो उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है। और इनको एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है जो कि मरून कलर का होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये डिग्निटरीज हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक तरह से इंडिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसका और भी एक इन्हें फ़ायदा मिलता है कि इनके लिए सेपरेट इमिग्रेशन काउंटर होते हैं और लाउंजेस होते हैं एयरपोर्ट में, ये भी एक इन्हें विशेष अधिकार मिलता है। नेक्स्ट इनको और क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं इनको। लाइफ टाइम फ्री एग्जीक्यूटिव क्लास ट्रैवल मिलता है एयर इंडिया में, ये याद रखिएगा, सिर्फ एयर इंडिया में मिलता है, बाकी एयरलाइंस का ठीक है, बाकी एयरलाइंस में नहीं, सिर्फ एयर इंडिया में। और इन्हें फ्री लाइफ टाइम फर्स्ट क्लास ट्रेन जर्नी मिलती है, ओके। और इनको पेंशन भी मिलती है जो कि 50% ऑफ पीएम ऑफ इंडिया सैलरी की होती है, ठीक है, या तो बराबर या उससे कम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि ये पार्लियामेंट मीटिंग्स और सेशंस अटेंड कर सकते हैं। इनको जेड कैटेगरी की प्रोटेक्शन भी दी जाती है, जिसका मतलब ये होता है, जेड कैटेगरी की प्रोटेक्शन वो होती है जिसमें एनएसजी कमांडोज और पुलिस पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो इन्हें जेड कैटेगरी की प्रोटेक्शन भी मिलती है। नेक्स्ट इज़ इन्हें एक तरह से स्पेशल गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। और इनका जो स्टेटस होता है वो एक जो इनका स्टेटस होता है वो एक VVIP की तरह होता है बिल्कुल, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बोथ विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। और इसका इन्हें फ़ायदा ये होता है कि इनकी जो सिक्योरिटी काउंटर होते हैं एयरपोर्ट पे, ठीक है, वहाँ पे इनकी चेकिंग नहीं होती है, या इनको आप बोल सकते हो कि इनकी उस तरह से चेकिंग नहीं होती है जैसे कि नॉर्मल अगर कोई जनरल सिटीजन होगा उसकी होगी। तो ये इसे फ़ायदा होता है, एक तरह से VVIP की तरह इन्हें ट्रीट किया जाता है, राइट। तो यही पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कि दे वोंट बी फ्रिस्क्ड एट एनी सिविलियन एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ विशेष अधिकार होते हैं जो भारत रत्न अवार्डीज को मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू गाइज़।